स्टूडेंट्स, माई सेल्फ जेबी एंड डॉक्टर अरुण कुमार सिंह, फैकल्टी ऑफ एजुकेशन मैथोलॉजी, ज्योति विद्यापीठ वुमेन्स यूनिवर्सिटी जयपुर। आई वेलकम टू ऑल ऑफ यू इन माई डिजिटल क्लास बीएड फोर्थ सेमेस्टर। वी विल डिस्कस द टॉपिक एग्रीकल्चर वेस्ट मैनेजमेंट। एग्रीकल्चर वेस्ट मैनेजमेंट क्या होता है? सबसे पहले एग्रीकल्चर, एग्रीकल्चर इज द लार्जेस्ट कॉन्ट्रीब्यूटर्स ऑफ एनी रिसोर्सेज सेक्टर्स टू द इकोनॉमी। इट इज ऑल्सो अ लार्ज जनरेटर्स ऑफ वेस्ट मटेरियल्स। एग्रीकल्चर से बहुत सारे वेस्ट मटेरियल्स जनरेट होते हैं। एग्रीकल्चर इज ऑल्सो कॉल्ड एज फार्मिंग, विच इज द कल्टिवेशन ऑफ एनिमल्स, प्लांट्स, फंजाई एंड अदर लाइफ फॉर्म्स फॉर फूड, फाइबर्स, बायोफ्यूल्स, ड्रग्स एंड अदर प्रोडक्ट्स यूज टू सस्टेन एंड इनहेंस ह्यूमन लाइफ। ओके, नेक्स्ट एग्रीकल्चर वेस्ट। एग्रीकल्चर वेस्ट इज कंपोज्ड ऑफ ऑर्गेनिक वेस्ट। ऑर्गेनिक वेस्ट इसमें जो होते हैं आपके एनिमल एक्स्ट्रा, जो एनिमल उत्सर्जित कर देते हैं मटेरियल्स, वो सारे मैनुअर्स, स्पेंट्स, मशरूम कंपोस्ट्स, स्पॉइल्ड वाटर्स एंड सिलेज इफ्लुएंट्स होते हैं। इसके अलावा इसमें नेचुरल वेस्ट, एनिमल वेस्ट और प्लांट वेस्ट आते हैं। प्राकृतिक वेस्ट और जंतु वेस्ट और पादप वेस्ट आते हैं। फील्ड वेस्ट, फील्ड वेस्ट के अंतर्गत इसमें खरपतवार आते हैं और एक्स्ट्रा आते हैं। नेक्स्ट एनिमल वेस्ट, जंतु वेस्ट में इसमें एनिमल डंग्स आता है और डेड बॉडीज आती हैं। एनिमल डंग्स एंड डेड बॉडीज वगैरह एनिमल्स की जो होती हैं वो एनिमल वेस्ट में होती हैं। एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट, एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट में आपका जैसे शुगर कैन, पील्स हैं, मोलेसेस हैं, ये सारे एग्रो इंडस्ट्रियल वेस्ट में आते हैं। वेस्ट मैनेजमेंट, इफ वेस्ट आर नॉट प्रॉपरली हैंडल्ड दे कैन पॉल्यूट सरफेस एंड ग्राउंड वाटर and contribute to air pollution. The proper management of waste from agriculture operations can contribute in a significant way to farm operations. Next, waste management help to maintain a healthy environment for farm animals and can reduce the need for commercial fertilizers while providing other nutrients needed for crop productions. The waste which is reduced, recycled and make it usable for different purposes is a waste management. एग्रीकल्चर जो वेस्ट होते हैं उनमें डिफरेंट टाइप के एग्रीकल्चर के जो प्रोडक्ट्स होते हैं वो सारे होते हैं। जैसे पुआल होता है, पुआल एक समय पर पुआल को जला दिया जाता है जिससे बहुत ज़्यादा ही वायु प्रदूषण होता है। वायु प्रदूषण जब होता है तो जितने भी जीव जंतु होते हैं एवं पेड़ पौधे, उन सब में डिफरेंट टाइप की डिसीज उत्पन्न हो जाती हैं। इसके अलावा इंसेक्टिसाइड्स, पेस्टिसाइड्स भी एग्रीकल्चर वेस्ट में आते हैं और ये सारे आपके वाटर पॉल्यूशन करते हैं जिससे डिफरेंट टाइप की वाटर डिसीज हो जाती हैं। ओके, थैंक यू।